छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो के विवादित बयान के बाद रोष व्याप्त है और जगह जगह भाजपा कार्यकर्ता बिलावल भुट्टो के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर चौराहे पर बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बिलावल भुट्टो के बयान के बाद पूरे जिले के कार्यकर्ताओं और नेताओं में आक्रोश व्याप्त है। आज भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत के नेतृत्व में जय स्तंभ चौक पर बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर सभी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश करता है और जब भारत को नहीं घेर पाते तो ऐसे अमर्यादित बयान देते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हर मर्यादा को लांघ दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है, उसी की झल्लाहट के कारण पाकिस्तान द्वारा अपनी ओझी मानसिकता को प्रदर्शित करते हुए वहाँ के विदेश मंत्री द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री को कसाई से संबोधित किया गया है। मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की मानसिकता ही कसाई के पूर्ण है और वो आज जिस स्थिति से बदहाली के जिस स्थिति से गुजर रही है उसको वो अपने गिरे बाहर में झांकते हुए ये प्रधानमंत्री के खिलाफ अनगन बयानबाजी कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो 130 करोड़ जनताओं का अपमान है। यहाँ पर पूरे भारत अपितु छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुतला दहन किया गया और ये जो ये बयानबाजी की गई है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की। उन्होंने अपशब्द कहे हमारे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। एक छोटा सा देश पाकिस्तान जो आतंक को पनाह देता है, आतंकवादियों को पैदा करता है, आतंकवादियों का अड्डा है, वहां से पूरे विश्व में आतंकवादी निकल कर जाते हैं और देशों दूसरे देशों में आतंक मचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समस्त लोगों ने पुतला दहन किया है, धरना प्रदर्शन किया है। वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने लंदन में बैठकर भारत के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे, अनर्गल टिप्पणी की जो निंदनीय है।